जय हिंद स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बुक रेनबो का लेसन नंबर 2, अ रूम 10x8। एक ऐसा कमरा जिसकी साइज जो है वो 10x8 है। देखिए बच्चों, इस लेसन को हमने आधा पढ़ लिया था। ये जो लेसन है वो मिसेज और मिस्टर मलिक के परिवार को लेकर के हैं। देखिए तो मलिक फैमिली ने दिल्ली के अंदर अपना खुद का घर बनवा लिया था और अब उस घर के अंदर है वो। अब शिफ्ट होने के लिए पूरा परिवार जा रहा है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। ये दिन जो है वो मंडे वाला दिन चूज किया था क्योंकि ऐसा माना गया था कि मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे होता है। अब देखो, वहाँ उन्होंने अपने घर की तरफ फॉर्मल मूव किया, तो एक तो उन्होंने अपने खुद की पर्सनल जो कार थी वो साथ में ली और इसके अलावा एक जो टैक्सी है उसको भी उन्होंने हायर किया ताकि जो सामान है और जो बाकी वाला जो लगेज है उसको बाद में शिफ्ट करने का निश्चय किया। कारण ये था कि उस दिन सुबह से लेकर के शाम तक है वो तेज बारिश हो रही थी। देखते हैं अब नेक्स्ट। इट वॉज रेनिंग इंसेंसली। सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार, मिसेज मलिक वॉज लॉस्ट इन मेमोरीज। इट वॉज रेनिंग इंसेंसली का मतलब होता है कंटिन्यूली, यानी निरंतर, लगातार, नॉन स्टॉप। तो इट वॉज रेनिंग इंसेंसली, बारिश है वो लगातार हो रही थी। सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार, मिसेज मलिक वॉज लॉस्ट इन मेमोरीज। मिसेज मलिक जो हैं वो कार की पीछे वाली सीट में बैठी हुई थी और उसी समय वो अपने विचारों में खो गई थी। लॉस्ट इन मेमोरीज, मेमोरीज का मतलब होता है यादें। उनको वो पुरानी यादें, पुरानी बातें उसको याद आने लगी कि किस प्रकार से उसने है वो घर का कंस्ट्रक्शन करवाया था और जिस समय घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो उसने किस तरीके से है वो उसकी सुपरवाइजिंग की सुबह से लेकर के देर रात तक। तो ये सारी बातें उसको अब याद आ रही है। वॉट पेंस ही हैड टेकन व्हाइल द हाउस वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन। देखो, उसको याद आ रहा है कि कितना कष्ट उसने उठाया था जबकि घर अंडर कंस्ट्रक्शन था। अंडर कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माणाधीन। जब घर का निर्माण कार्य चल रहा था उस समय उसने कितना कष्ट उठाया, कितनी उसने तकलीफ उठाई, ये बातें अब उसको याद आ रही है। बच्चों, पेंस का मतलब होता है कष्ट, पीड़ा या तकलीफ। द डेज वेन सी मिस्ड हर मील्स। और देखो, उसको वो दिन याद आ रहे हैं कि उन दिनों वो अपना मील्स भी मिस कर देती है। मील्स का मतलब भोजन होता है, यानी इतनी काम में लगी रहती थी कि उनको अपना भोजन भी मिस करना पड़ जाता था। द डे सी स्टूड इन द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस। और उनको याद आ रहा है कि किस प्रकार वो सूर्य की उस झुलसाने वाली गर्मी के अंदर है वो खड़ी रहा करती थी और सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, कि काम कितना प्रोग्रेस में है, इन सारी चीज़ों का है वो सुपरवाइजिंग कर रही थी। सुपरवाइजिंग का मतलब होता है बच्चों निरीक्षण करना। द डे सी वॉज ड्रेंस्ड इन रेन। और उनको याद आ रहे हैं वो दिन, जिन बारिश के दिन जिसमें वो पूरी भीग जाती थी। ड्रेंच का मतलब होता है गीला हो जाना या भीग जाना। द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड ए स्केच ऑफ द हाउस इन कलर द वे इट वुड लुक वेन कंप्लीटेड। द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड ए स्केच ऑफ द हाउस इन कलर। और आर्किटेक्ट ने है वो रंग के अंदर एक स्केच तैयार किया था, एक खाका, एक प्रकार का ढांचा उसने है वो एक चित्र बनाया था। द वे इट वुड लुक वेन कंप्लीटेड। और जब वो एकदम है वो कंप्लीट हो गया। इट हैड द फिगर ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस स्टैंडिंग ऑन द वरांडा विद हर बैक टुवर्ड्स द मार्बल पिलर। तो उस खाके के अंदर जो उसने आर्किटेक्ट ने बनाया, उसने वो बनाया द फिगर ऑफ द लेडी,
एक औरत का उसने है वो आकृति बनाई। फिगर का मतलब होता है बच्चों आकृति। तो उस स्केच के अंदर है उसने एक औरत की है वो चित्रकारी पेंटिंग बनाई। स्टैंडिंग ऑन द वरांडा जो कि बरामदे के अंदर खड़ी, विथ हर बैक टुवर्ड्स द मार्बल पिलर, और जो मार्बल की पिलर का मतलब खंबा होता है, मार्बल का जो बना खंबा उसका सहारे ली। ऐसी एक उसने आर्किटेक्ट ने वो एक पेंटिंग बनाई। एक ऐसी उसने द फिगर ऑफ द लेडी बनाई जो कि बरामदा के अंदर खड़ी है और मार्बल का जो पिलर है उसका सहारा लिए। एलिगेंट एंड ग्रेसफुल, एलिगेंट एंड ग्रेसफुल का मतलब होता है भव्य, रमणीय और शानदार। ये जो उसने जो फिगर बनाया वो बड़ा ही है वो सुंदर था। एन इमेज ऑफ कंटेंटमेंट, और एक ऐसी जो कि एक संतुष्टि की छवि उसके ऊपर थी। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतोष, सेटिस्फैक्शन। यानी वो चित्र ऐसा नज़र आ रहा था औरत का कि मानो वो है वो कंटेंटमेंट है, अपने आप में वो संतुष्ट हैं। कलेडी ने मैरून साड़ी, और इसको है वो मैरून कलर की साड़ी के उसके वो कपड़े पहने हुए थे। कलेड का मतलब होता है ड्रेस्ड होना, कपड़े पहने हुए होना। मैरून कलर की साड़ी उसकी पहनी हुई थी। एक ऐसा उसने है वो औरत का चित्र बनाया। मिसेज मलिक फेल्ट देयर द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर। अब मिसेज मलिक ने ऐसा महसूस किया कि इस आर्किटेक्ट ने उस खुद को ही पेंट किया, उस खुद को ही उसका चित्र बनाया है, ऐसा उस मिसेज मलिक ने सोचा। मिसेज मलिक ने क्या सोचा कि उस स्थापत्य कलाकार ने है वो उसका खुद का चित्र बनाया। बट सी नेवर वोर मैरून कलर साड़ीज, लेकिन तभी उसको ख्याल आता है कि उसने मैरून कलर की साड़ी तो कभी पहनी ही नहीं थी। लेकिन उस आर्किटेक्ट ने जो जिस औरत का चित्र बनाया है उस औरत के तो मैरून कलर की साड़ी पहनी हुई है। द फिगर इन द स्केच हावर वॉच एज टॉल एज मिसेज मलिक। हालांकि उस स्केच के अंदर जो उस औरत का जो फिगर बनाया गया था वो इतना ही लंबा था जितना कि मिसेज मलिक खुद थी। तो हाइट में तो वो जो फिगर जो था वो मिसेज मलिक के मिलता जुलता था, लेकिन जो मैरून कलर की साड़ी है उसको वो सोच रहे हैं कि ये मैंने कभी नहीं पहनी, जबकि इस आर्किटेक्ट ने तो इसको मैरून कलर की साड़ी है वो पहने हुए चित्र बनाया है। रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर सी स्टूड द वे मिसेज मलिक यूज टू स्टैंड। और ये जो चित्र बनाया गया था रिक्लाइनिंग का मतलब होता है झुके हुए होना। अगेंस्ट द पिलर का मतलब होता है खंबा, पोल, एक खंबे के झुका हुआ ये जो चित्र बनाया। सी स्टूड द वे मिसेज मलिक यूज टू स्टैंड, और ये चित्र ठीक इसी प्रकार से खड़ा था जैसे कि मिसेज मलिक खुद खड़ा रहा करती थी। यानी उसके खड़े रहने की स्टाइल भी है वो मिसेज मलिक की मिलती जुलती थी। मिसेज मलिक सॉ द फिगर इन द स्केच एंड वुड गो एंड स्टैंड बिफोर द ड्रेसिंग टेबल मैनी अ टाइम। अब देखो मिसेज मलिक हैं, मिसेज मलिक सॉ द फिगर इन द स्केच। मिसेज मलिक ने अब उस आकृति को उसने देखा। एंड वुड गो एंड स्टैंड बिफोर द ड्रेसिंग टेबल मैनी ए टाइम, और अनेकों बार वो वहाँ से जाती और ड्रेसिंग टेबल के आगे जा कर के हैं वो खड़े हो जाती थी, अपने आप को खुद को देखती कि मेरा जैसी मैं हूँ वैसा का वैसा ये चित्र बनाया हुआ है। ड्रेसिंग टेबल का मतलब होता है केस, बाल आदि संवारने की जो कांच जो लगा हुआ होता है, तो वहाँ आकर के उसके आगे वो खड़ी हो जाती थी और अपने आप को खुद को देखती थी। सी थॉट दैट सी मस्ट शो दैट स्केच टू हर डॉटर इन लॉ समटाइम, और वो ऐसा सोचा करती थी कि वो किसी न किसी दिन है वो अपने खुद की पुत्र वधु को ये स्केच को दिखाएगी, और उसे ही उसको दिखाएगी, उसने ऐसा सोचा। मिसेज मलिक ने क्या सोचा कि वो अपने खुद की बेटे की बहू जब आएगी तब उसको यह चित्र दिखाएगी। हर डॉटर इन लॉ वॉज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट विथ हर हस्बैंड मूविंग द रियर व्यू ग्लास ऑफ द कार टुवर्ड्स हर। सी स्टार्टेड रीपेंटिंग हर लिप्स वेयर वॉज द नीड टू पेंट द लिप्स व्हेन दे वर गोइंग टू देयर ओन हाउस
At the most, they would eat and then go to sleep. Strange are the ways of modern girls and how the girl talked. She was jabbering incessantly. Why must she talk with her own husband in English? देखिए बच्चों, अब ये मिसिस मलिक और उसका बेटा और उसके बेटे की बहू, ये हैं वो अपने इस नया जो घर बनाए हैं उस घर में शिफ्ट होने के लिए जा रहे हैं, कार में बैठे हुए हैं, जबकि मिसिस मलिक हैं वो अपनी पुरानी यादों में खो जाती हैं। देखिए, हर डॉटर इन लॉ वॉज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट। हर डॉटर इन लॉ वॉज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट विद हर हस्बैंड। उसकी जो डॉटर इन लॉ जो थी वो अपने पति के पास में फ्रंट सीट पर बैठी थी, कार में बैठे हुए थे। तो उसकी खुद की बेटे की बहू हैं वो अपने पति के पास आगे वाली सीट पर बैठी थी। फ्रंट सीट का मतलब होता है आगे वाली सीट। मूविंग द रियर व्यू ग्लास ऑफ द कार टुवर्ड्स हर, सी स्टार्टेड रीपेंटिंग हर लिप्स। और वहाँ बैठी बैठी मूविंग द रियर व्यू ग्लास ऑफ द कार टुवर्ड्स हर, उसने क्या किया, उसने अपनी ओर वो जो पीछे जो देखने वाला जो ग्लास होता है उसको उसने अपनी ओर घुमाया। मूव का मतलब होता है घुमाना, रियर व्यू ग्लास का मतलब होता है पीछे की जो चीज़ें जो दिखती हैं, जो साइड जो कांच लगा हुआ होता है वाहनों की, तो उस कांच को अपनी ओर उसने घुमाया और उसके अंदर है उसने देखा। सी स्टार्टेड रीपेंटिंग हर लिप्स, और उसने है वो अपने लिप्स को है वो रंगना शुरू कर दिया, अपने होठों को है उसने रंगना शुरू कर दिया। वेयर वॉज द नीड टू पेंट द लिप्स वेन दे वर गोइंग टू देयर ओन हाउस। अब इस प्रकार की बात मिसेज मलिक को अच्छी नहीं लगती कि अरे कहाँ जरूरत हुई है अब होठों को रंगने की, हम कहीं और जगह तो जा ही नहीं रहे हैं, हम तो हमारे खुद के घर में जा रहे हैं। वेयर वॉज नीड टू पेंट द लिप्स, होठों को रंगने की कहाँ जरूरत थी, कहाँ आवश्यकता थी। वेन दे वर गोइंग टू देयर ओन हाउस, जबकि वे तो खुद के घर की ओर जा रहे थे। एट द मोस्ट दे वुड ईट एंड देन गो टू स्लीप, अधिक से अधिक उनको जो काम करना है वो क्या करना है, दे वुड ईट वहाँ जा कर के भोजन करना, एंड देन गो टू स्लीप और जा कर के सो जाना है। फिर इसको कहाँ जरूरत हुई है अपने होठों को है वो रिपेंट करने की। स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ मॉडर्न गर्ल्स, और ऐसे ख्याल मिसेज मलिक को आते हैं, और मिसेज मलिक जो सोच रही हैं कि अरे ये जो आधुनिक समय की जो औरतें होती हैं इनके बड़े अजीब तरीके हैं। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र या अजीब। जो मॉडर्न गर्ल्स हैं वास्तव में ये विचित्र प्रकार की होती हैं। एंड हाउ द गर्ल टॉक्ड, और देखो उसको आश्चर्य हो रहा है, मिसेज मलिक को आश्चर्य हो रहा है अपनी डॉटर इन लॉ को देख करके कि अरे देखो कि किस प्रकार से ये हैं वो लड़की जो टॉक करती हैं, बातचीत करती हैं, बातचीत करने का भी इनका जो तरीका है वो भी बड़ा उसको स्ट्रेंज लगा। शी वॉज जेबरिंग इंसेंसली, और क्या सोच रही हैं कि उसकी जो डॉटर इन लॉ हैं वो लगातार है वो बकबक कर रही थी। जेबरिंग का मतलब होता है बकबक करना, फालतू की बातें करते रहना, और इंसेंसेंटली का मतलब होता है कंटिन्यूली लगातार। तो ये बात भी है मिसेज मलिक को है वो अच्छी नहीं लग रही थी। वाई मस्ट सी टॉक विथ हर ओन हस्बैंड इन इंग्लिश, देखिए और क्या सोच रही है मिसेज मलिक, सोच रही है कि इसको अपने पति के साथ में इंग्लिश में बात क्यों करना चाहिए, इंग्लिश में ये बात क्यों कर रही है। अब ये बात भी उसको अच्छी नहीं लग रही है मिसेज मलिक को, ये बात अच्छी नहीं लग रही है कि उसकी जो डॉटर इन लॉ है वो अपने हस्बैंड के साथ में वो इंग्लिश के अंदर टॉक क्यों कर रही है। मिसेज मलिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश, सी हैड फेल्ड इन दिस ओनली, सी हैड अकम्पलिश्ड एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, सी लर्न बॉल रूम डांसिंग। देखिए बच्चों, मिसेज मलिक जो है उसको इंग्लिश नहीं आती थी, उसको इंग्लिश में टॉकिंग करनी नहीं आती थी, बाकी तो उसने लाइफ का कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं छोड़ा है जिसके अंदर है वो खुद परफेक्ट नहीं हुई। देखिए, मिसेज मलिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश, मिसेज मलिक जो है वो इंग्लिश को नहीं जानती थी, पिकअप का मतलब होता है उसको समझ नहीं सकती थी, उसको आती नहीं थी इंग्लिश, उसको नहीं आती थी। सी हैड फेल्ड इन दिस वे, सिर्फ इस मामले में ही वो क्या हो गई थी, फेल हो गई थी।
बस अगर उसका उसमें कमी थी तो सिर्फ यही कमी थी कि उसको इंग्लिश नहीं आती थी. सी हैड अकम्प्लिश्ड एवरीथिंग एल्स इन लाइफ. जीवन के अंदर बाकी हर चीज़ों के अंदर है वो एकदम है उसने है वो अकम्प्लिश हो गई थी. अकम्प्लिश का मतलब होता है कुशलता के साथ में कोई काम है पूरा कर लेना. बाकी तो जीवन के अंदर हर प्रकार के कामों को उसने बड़े ही कुशलतापूर्वक है उसको पूरा किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश तो है वो उसको नहीं आती थी. सी लर्न बॉल रूम डांसिंग और उसने है वो बॉल रूम डांसिंग भी सीख लिया था. बॉल रूम डांसिंग एक प्रकार का नृत्य है होता है जो एक बहुत बड़े कमरे के अंदर पैर में किया जाता है, जोड़ों में एक बहुत बड़े कमरे के अंदर जो डांस किया जाता है उसको कहते हैं बॉल रूम डांसिंग. तो ये बॉल रूम डांसिंग भी है, ये भी उसको आता था लेकिन इंग्लिश उसको नहीं आती थी. नेक्स्ट देखते हैं. सडनली इट ऑकर टू मिसेस मलिक दैट मे बी द फिगर पेंटेड बाय द आर्किटेक्ट वॉज दैट ऑफ हर डॉटर इन लॉ. हाउ कुड दैट बी, सी वॉज नोवेयर ऑन द सीन व्हेन द प्लान ऑफ द हाउस वॉज प्रिपेयर्ड, बट देन सी वॉज वियरिंग अ मैरून कलर्ड साड़ी दैट द फिगर इन द स्केच हैड. यस, इट वॉज मैरून कलर. मिसिस मलिक नेवर लाइक मैरून कलर. इट वॉज टू लाउड फॉर हर टेस्ट. इट वॉज गस लाइक हर डॉटर इन लॉ हु वर फॉन्ड ऑफ मैरून कलर. अब इसी प्रकार के विचार अब उस मिसिस मलिक को आते हैं. सडनली इट ऑकर टू मिसिस मलिक. अब अकस्मात मिसिस मलिक को है वो विचार आया. दैट मे बी द फिगर पेंटेड बाई द आर्किटेक्ट वॉज दैट ऑफ हर डॉटर इन लॉ. कि शायद ऐसा तो नहीं है कि उस आर्किटेक्ट ने जिस फिगर को बनाया ये फिगर उसका खुद का ना होकर के उसके डॉटर इन लॉ का था, ऐसा उसको विचार आया. हाउ कुड दैट बी. लेकिन वापस वो सोच रही है कि नहीं ये उसका तो कैसे हो सकता है. सी वॉज नो वेयर ऑन द सीन व्हेन द प्लान ऑफ द हाउस वॉज प्रिपेयर्ड. और वापस खुद तर्क देती है अपने मन ही मन में. सी वॉज नो वेयर ऑन द सीन कि वो उस समय थी ही नहीं व्हेन द प्लान ऑफ द हाउस वॉज प्रिपेयर्ड. जिस समय घर का जो प्लान है उसको तैयार किया गया था, जिस समय घर का है वो नक्शा बनाया गया था, घर का जब प्लान बनाया गया था उस समय वो यहाँ थी नहीं, तो फिर उसका चित्र ये कैसे हो सकता है. आर्किटेक्ट हैं उसका चित्र कैसे बना सकता है. बट देन सी वॉज वियरिंग ए मैरून कलर साड़ी देयर द फिगर इन द स्केच है. लेकिन तभी वो सोचती है वापस उसको ख्याल आता है कि सी वॉज वियरिंग ए मैरून कलर साड़ी कि उसकी जो पुत्र वधु थी वो मैरून कलर की साड़ी पहने हुई थी. देयर द फिगर इन द स्केच हेड और ऐसे की ऐसी मैरून कलर की साड़ी है वो उस स्केच के अंदर जो आकृति बनाई हुई थी उस आकृति के पहनी हुई थी. तो इस प्रकार है अब वो मिसेज मलिक खुद कन्फ्यूजन में है कि ये जो मैरून कलर की साड़ी इस चित्र के पहनी हुई है और मैरून कलर की साड़ी है वो मेरे डॉटर इन लॉ पहनती हैं, मैं तो ऐसे कभी पहनती नहीं हूँ. तो वो सोच रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आर्किटेक्ट ने है वो जो ये पेंटिंग जो की है वो मेरी डॉटर इन लॉ की है. लेकिन तभी उसको ख्याल आता है कि डॉटर इन लॉ की तो पेंटिंग कैसे हो सकती है, क्योंकि जिस समय इस घर का प्लान प्रिपेयर किया गया था उस समय वो यहाँ कहीं नहीं थी. नेक्स्ट देखते हैं. यस, इट वॉज मैरून कलर. हाँ, ये जो थी वो मैरून कलर की थी. मिसेज मलिक नेवर लाइक्ड मैरून कलर. लेकिन मिसेज मलिक हैं उसने मैरून कलर को कभी भी लाइक नहीं किया था, उसको वो लाइक नहीं करती थी. इट वॉज टू लाउड फॉर हर टेस्ट और ये जो कलर हैं वो उसके रुचि के खिलाफ था, यानी ये उसके पसंदीदा कलर नहीं था. इट वॉज गर्ल्स लाइक हर डॉटर इन लॉ. ये तो ऐसी लड़कियाँ होती हैं जैसे कि उसकी डॉटर इन लॉ थी हु वर फॉन्ड ऑफ मैरून कलर, जो कि मैरून कलर को है वो का शौक रखती. फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौक होना, लगाव होना. सी कैन वियर मैरून श्योरली सेड मिसेज मलिक टू हरसेल्फ. आई विश शी कुड ऑल्सो वर्क एज हार्ड एज आई डिड. आई हैड एवरी ट्रिक ऑफ द हाउस लेड बिफोर माई आईज
in sun and rain. I stood on the site supervising the construction from early in the morning till late in the night. Many a time I helped the masons with mortar and bricks. Many times I hauled the rubber pipe and sprayed water on the plastered wall. "She can wear maroon surely," said Mrs. Malik to herself. Mrs. Malik अपने आप खुद से ही कहती हैं कि वो मैरून कलर की जो साड़ी है या मैरून कलर को है वो निश्चित रूप से पहन सकती हैं। आई विश सी कुड आल्सो वर्क एज हार्ड एज आई डिड, लेकिन इसके साथ में वो ऐसा सोच रही हैं कि इसके साथ साथ में वो इतना हार्ड वर्क करें जितना कि हार्ड वर्क है वो मैंने किया, ऐसा सोच रही है। वो अपनी डॉटर इन लॉ से हैं, वो किस प्रकार की बात सोच रही हैं कि वो भी है उसकी तरह की हैं, वो हार्ड वर्कर बने। I had every brick of the house laid before my eyes. क्या सोच रही हैं कि मैंने जब मेरे घर का कंस्ट्रक्शन हुआ था उसमें हर जो घर के अंदर लगी हुई ईंट है वो मेरे आँखों के आगे लगी थी, यानी एक भी ईंट नहीं थी, नहीं लगी मेरी अनुपस्थिति में। ब्रिक का मतलब ईंट होता है। इन सन एंड रेन, और आगे सोच रही हैं चाहे तो धूप हो और चाहे बारिश हो, मैं उस समय है वो वहाँ पर वह वो खड़ी रहती थी। आई स्टूड ऑन द साइट सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टिल लेट इन द नाइट। आई स्टूड ऑन द साइट, और मैं उस स्थल पर है वो खड़ा रहती थी। साइट का मतलब होता है स्थल, वर्क साइट का मतलब होता है कार्यस्थल। क्या कहती मिसेस मलिक, क्या सोचती हैं कि मैं है उस कार्यस्थल पर जहाँ पर घर बन रहा था वहाँ पे मैं खड़ी रहती थी, सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन, और जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसकी मैं सुपरवाइज कर रही थी, यानी निर्माण कार्य जो चल रहा था उसका मैं निरीक्षण करती थी। फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टिल लेट इन द नाइट, सुबह जल्दी लेकर के देर रात तक है वो मैं वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पर रहती और वहाँ है वो सुपरवाइजिंग का काम करती। मैनी अ टाइम आई हेल्प द मेसन्स विथ मोर्टार एंड ब्रिक्स, और आगे क्या सोच रही हैं, बहुत बार, मैनी अ टाइम का मतलब होता है बहुत बार। आई हेल्प द मेसन्स विथ मोर्टार एंड ब्रिक्स, वहाँ जो मेसन्स लोग जो काम करते थे उनकी मैं है वो मोर्टार और ब्रिक्स से उनकी हेल्प करती हूँ। मोर्टार का मतलब होता है गारा, सीमेंट चूना वगैरह जो जो ईंटों को चिपकाने के लिए बनाया हुआ होता है, और ब्रिक्स का मतलब ईंटें होती हैं। मिसेज मलिक क्या सोच रही हैं कि मेसन्स का मतलब होता है मिस्त्री, कारीगर, जो वहाँ पर मिस्त्री जो काम कर रहे थे, तो मिसेज मलिक कहती हैं कि मैं उनको कभी मोर्टार और कभी है वो ईंटें से भी मैं उसकी मदद किया करती थी। मैनी टाइम्स आई हॉल द रबर पाइप एंड स्प्रेड वाटर ऑन द प्लास्टर्ड वॉल, और कौन कौन सी बातें उसको याद आ रही हैं कि मैनी टाइम्स अनेकों बार आई होल्ड द रबर पाइप, जो रबर वाला पाइप होता है उसको मैं खींच कर लाती हूँ। होल्ड का मतलब होता है खींच करके लाना, रबर पाइप का मतलब होता है रबड़ का पाइप, जो रबड़ का पाइप था उसको मैं खींच करके लाती। एंड स्प्रेड वाटर ऑन द प्लास्टर वॉल, और जो प्लास्टर की हुई दीवारें थी उसके ऊपर में है वो पानी छिड़कती। स्प्रे का मतलब छिड़कना होता है। देन दे रीच द हाउस, ही सेंट ड्रॉ द कार स्ट्रेट टू द पोर्च and her daughter-in-law jumped out of it, and there she stood reclining against the marble pillar on the veranda, exactly the way the architect had painted the figure in the sketch. Mrs. Malik felt rage in her heart. Maybe the architect had mocked at her. अब वो कार में बैठे हैं और अपने नए घर के अंदर शिफ्ट होने के लिए जा रहे हैं, और मिसेज मलिक जो हैं वो विचारों में खोई हुई हैं, जबकि मिसेज मलिक का बेटा और उसकी जो पुत्रवधु हैं, बेटा कार को ड्राइव कर रहा है और उसकी जो खुद की जो डॉटर इल्ला हैं वो फ्रंट सीट पे बैठी हैं। अब वो क्या करते हैं कि अब अपने नए घर में पहुंच जाते हैं। देखिए, देन दे रीच द हाउस, तब क्या होता है कि वो अपने घर पहुंच जाते हैं। ही सेंट ड्रॉ द कार स्ट्रेट टू द पोर्च, और उसके बेटे ने है वो कार को चला करके सीधा आगे घर का जो पोर्च बना हुआ था उस पोर्च में ले आया कार को। एंड हर डॉटर इन लॉ जंप्ड आउट ऑफ इट, और उसकी जो डॉटर इन लॉ थी वो उस कार से
नीचे उतरी एंड देयर सी स्टूड रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर ऑन द बरामदा। और घर के अंदर उस बरामदे में जो मार्बल का पिलर था और उस मार्बल के पिलर के सहारे जाकर के वो झुक करके खड़ी हो गई। रिक्लाइन का मतलब होता है झुक करके या किसी सहारे से लेकर के खड़े हो गए। एग्जैक्टली द वे द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड द फिगर इन द स्केच। ठीक इसी प्रकार से एग्जैक्टली का मतलब होता है ठीक। एग्जैक्टली द वे का मतलब होता है ठीक उसी प्रकार से डॉटर इन लॉ बरामदे के अंदर उस मार्बल के पिलर के सहारे खड़ी हो गई जिस प्रकार से उस आर्किटेक्ट ने उस स्केच के अंदर उस फिगर को बनाया था। स्केच के अंदर उसने जो फिगर बनाया था वो भी ऐसा ही था बरामदे के अंदर मार्बल के पिलर के सहारे खड़े। नेक्स्ट देखते हैं, मिसेस मलिक फेल्ट रेंज इन हार्ट। मिसेस मलिक को है वो अपने हृदय के अंदर पीड़ा हुई। रेंज इन हार्ट का मतलब होता है दुख होना। मे बी द आर्किटेक्ट हैड मॉक्ड एट हर। और उसने सोचा, मिसेस मलिक ने सोचा कि शायद ऐसा तो नहीं है कि आर्किटेक्ट ने ये इसके ऊपर उपहास किया है, उसकी मजाक उड़ाई है। मॉक का मतलब होता है मजाक उड़ाना या उपहास करना। मिसेज मलिक सोच रही हैं कि ऐसा चित्र बना करके ऐसी पेंटिंग करके कहीं आर्किटेक्ट ने उसके साथ मजाक तो नहीं की। स्टैंडिंग ऑन द वरांडा क्लोज टू द पिलर ट्राइंग टू कवर हर एलोबोरेट हेयरडो विथ द मैरून कलर साड़ी हर डॉटर इन लॉ वाज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द सर्वेंट्स अबाउट द लगेज इन द टैक्सी फॉलोइंग द कार। स्टैंडिंग ऑन द वरांडा क्लोज टू द पिलर ट्राइंग टू कवर हर एलोबोरेट हेयरडो विथ द मैरून कलर साड़ी। देखिए अब उस मिसेज मले की जो डॉटर इन लॉ जो है, बेटे की जो बहू हैं, स्टैंडिंग ऑन द वरांडा, अब उस बरामदे में खड़ी हैं क्लोज टू द पिलर, उस पिलर के पास में एकदम, ट्राइंग टू कवर हर एलोबरेट हेयरडो और अपने संवारे हुए बालों को है उसको वो ढकने की कोशिश कर रही है विथ मैरून कलर साड़ी, उस मैरून कलर की साड़ी से, डॉटर इन लॉ के मैरून कलर की साड़ी पहनी हुई और उसे वो अपने संवारे हुए बालों को क्या कर रही है, कवर कर रही है, उसको ढक रही है। हेयरडो का मतलब होता है संवारे हुए बाल या केश विन्यास कहेंगे। हर डॉटर इन लॉ वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द सर्वेंट्स अबाउट द लगेज इन द टैक्सी फॉलोइंग द कार। और देखो क्या देख रहे हैं, अगर हर डॉटर इन लॉ वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द सर्वेंट्स, और उसकी जो डॉटर इन लॉ है वो अपने नौकरों को है वो इंस्ट्रक्शन दे रही थी। इंस्ट्रक्शंस का मतलब निर्देश होता है, सर्वेंट्स का मतलब नौकर होता है, तो उसकी जो डॉटर इन लॉ है वो नौकरों को है वो आदेश दे रही थी। अबाउट द लगेज इन द टैक्सी फॉलोइंग द कार, किसके बारे में, कि कार के पीछे पीछे जो टैक्सी आ रही है उस टैक्सी के अंदर जो लगेज है उसको उतारना है, उस लगेज के बारे में है वो उसको इंस्ट्रक्शन दे रही थी। लगेज का मतलब होता है सामान, भार, जो वस्तुएं जो होती हैं। द लगेज हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम द टैक्सी, द टैक्सी ड्राइवर drove away आफ्टर हैविंग बीन पेड। मिसेज मलिक वॉज स्टिल सिटिंग ऑन द बैक सीट ऑफ देयर कार, सी हैड स्ट्रेंज सिंकिंग सेंसेशन। देखिए घर में पहुंच गए हैं, कार भी आ गई है और कार के पीछे पीछे जो उन्होंने एक टैक्सी को हायर किया था जिसके अंदर लगेज रखा हुआ था, टैक्सी भी वहां पर पहुंच जाती है। और देखिए द लगेज हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम द टैक्सी, जो लगेज था वो उस टैक्सी से वो हटा लिया गया, टैक्सी से वो उतार लिया गया। रिमूव का मतलब हटाना होता है, यानी टैक्सी से है वो सामान लगेज को उतार दिया गया। द टैक्सी ड्राइवर ड्रो अवे आफ्टर हैविंग बीन पेड, भुगतान करने के बाद में टैक्सी का जो ड्राइवर है वो भी वहाँ से वो ड्रो अवे हो गया, यानी वो वहाँ से चल दिया। टैक्सी ड्राइवर है वो भी अपनी टैक्सी लेकर के वो चला गया। मिसेज मलिक वॉज स्टिल सिटिंग ऑन द बैक सीट ऑफ द कार, मिसेज मलिक है वो अपने कार की पीछे वाली सीट पर अभी भी बैठी थी। स्टिल का मतलब होता अभी भी।
शी हैड स्ट्रेंज सिंकिंग सेंसेशन, और बैठी वो बड़े ही विचित्र ख्यालों में डूबी हुई थी। सिंकिंग, सिंकिंग का मतलब होता है डूबे हुए होना, सेंसेशन का मतलब होता है फीलिंग्स, भाव, भावनाओं में वो गहरी संवेदनाओं के अंदर है वो डूबी हुई थी। देन हर सन एंड डॉटर इन लॉ एंटर द हाउस, दे पुट ऑन द लाइट्स वन बाई वन, एवरी रूम वॉज लिट अप। मिसेस मलिक लुक्ड ऑन वाइड आइड, स्टिल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ हर कार इन द एक्साइटमेंट। नो बॉडी सीम टू हैव रिमेंबर टू ओपन द डोर फॉर हर द वे इट वॉज डन। देन हर सन एंड डॉटर इन लॉ एंटर द रूम एंटर द हाउस। तभी क्या होता है कि वो बेटा और उसकी जो पुत्रवधू हैं उन्होंने घर के अंदर प्रवेश किया, एंटर किया। दे पुट ऑन द लाइट्स वन बाई वन, और अंदर आकर के उन्होंने वो एक एक करके लाइट्स को जलाई। पुट ऑन का मतलब होता है चालू करना, लाइट्स का मतलब होता है बत्ती जला लेना। तो उन्होंने एक एक करके सारी लाइटें जलाई। एवरी रूम वॉज लाइट, और हर कमरा जो प्रत्येक जो कमरा है वो है उसके अंदर रोशनी हो गई थी, प्रकाशित हो गया था, हर कमरे के अंदर प्रकाश हो गया। मिसेस मलिक लुक्ड ऑन वाइड आइड, स्टिल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ कार। मिसेज मलिक लुक्ड ऑन वाइड आइड, और मिसेज मलिक थी उसने वो आंखें फाड़ करके देखा। वाइड आइड का मतलब होता आंखें चौड़ी करके या आंखें फाड़ करके है वो देखती थी। स्टिल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ हर कार, और अभी भी है वो कार के पीछे वाली सीट पर वो बैठी थी। बेटा और उसके बेटे की बहू दोनों घर में आ जाते हैं, लाइट चलाते हैं, घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन वो बेटा अपनी माँ को भूल ही जाता है। वो अभी भी कार के पीछे वाली सीट पर है वो बैठी है। इन द एक्साइटमेंट नोबडी सीम टू हैव रिमेंबर्ड टू ओपन द डोर फॉर हर द वे इट वॉज डन। इन द एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्तेजना, एक्साइटमेंट का मतलब उत्तेजना, जल्दबाजी, उत्तेजना और जल्दबाजी के अंदर नोबडी सीम टू हैव रिमेंबर्ड, किसी को भी ये याद नहीं आया टू ओपन द डोर फॉर हर द वे इट वॉज डन, कि उसके लिए वो दरवाजे को वो खुले, किसी ने उसके दरवाजे को वो खुला नहीं रखा, खुला दरवाजा नहीं खुला, और इसलिए वो कार के पीछे वाली सीट पर ही बैठी रही। सडनली हर सन थॉट ऑफ हिज मदर, ही रैन टू द पोर्च एंड ओपन द डोर ऑफ द कार। तभी अकस्मात, सडनली का मतलब होता है अकस्मात या अचानक। सडनली हर सन थॉट ऑफ हिज मदर, अचानक बेटे को अपनी माँ का ख्याल आया। ही रैन टू द पोर्च एंड ओपन द डोर ऑफ द कार, तभी वो दौड़ करके उस पोर्च के पास में आया जहाँ उसकी कार को खड़ी की हुई थी। एंड ओपन द डोर ऑफ द कार, और आकर के उसने कार का जो दरवाजा है उसको खोला। अ ड्राइव इन द इवनिंग ऑलवेज मेक्स मी गो टू स्लीप, द मदर स्पोक इन विस्पर। हर डॉटर इन लॉ हैड आल्सो कम आउट, एवरीवन वाज लाफिंग। मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर ऑन द बरंडा। अगेन शी वॉज ट्राइंग टू कवर हर हायर डो विथ हर मैरून कलर साड़ी। A drive in the evening always makes me go to sleep, the mother spoke in a whisper. माँ ने वो धीमी सी आवाज़ के अंदर कहा कि जब भी गाड़ी के अंदर मैं होती हूँ शाम के समय, तो इसे मुझे वो क्या है, नींद आ जाती है, चलती हुई गाड़ी के अंदर मुझे नींद आ जाती है। A drive in the evening, यानी शाम के समय जब गाड़ी मैं चल रही होती हूँ, ऑलवेज मैक्सिमम गो टू स्लीप, तो ये मुझे वो हमेशा ही इससे क्या है कि मुझे नींद आ जाती है। द मदर स्पोक इन अ विस्पर, माँ ने ये जो है वो धीरे से आवाज़ में कहा। विस्पर का मतलब होता है धीमे आवाज़ में बोलना या फुसफुसाहट की आवाज़ करना। हर डॉटर इन लॉ हैड आल्सो कम आउट, अब उसके जो पुत्र वधु हैं वो भी बाहर आई। एवरीवन वाज लाफिंग, और क्या देख रहे हैं कि हर कोई जो है वो हंस रहा था। मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर ऑन द बरंडा। अगेन, और क्या देखते हैं, पुनः मिसेज मलिक की जो डॉटर इन लॉ जो हैं वो उस बरामदे में उस मार्बल पिलर के सहारे वो वापस खड़ी हुई।
स्टैंडिंग खड़ी हो गई हैं अगेंस्ट द मार्बल पिलर, उस मार्बल पिलर का सहारा लेकर के। शी वॉज ट्राइंग टू कवर हर हायरडो विथ हर मैरून कलर साड़ी, और क्या कर रही हैं कि मैरून कलर की साड़ी जो उसके पहनी हुई थी उससे वो अपने वो बालों को ढक रही है। I am not going to eat. I have no appetite, said Mrs. Malik. I would like to sleep. The servants had laid dinner on the table. देखिए बच्चों, I am not going to eat. I have no appetite, said Mrs. Malik. अब Mrs. Malik क्या कहती हैं अपने बेटे और अपने बहू को, I am not going to eat. मैं खाना नहीं खाऊंगी। I have no appetite, मुझे भूख नहीं है। Appetite का मतलब होता है भूख। I have no appetite, मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी, said Mrs. Malik. Mrs. Malik ने वो ये बात कही। I would like to sleep, मैं तो बस सोना है उसको like, मैं तो अब सो। The servants had laid dinner on the table, नौकरों ने है वो टेबल के ऊपर है वो डिनर लगा रखा था, शाम का जो भोजन है वो लगा दिया, लेकिन माँ ने है वो उसको भोजन करने से वो मना कर दिया। क्या कह करके कि मैं है अब सोऊं। Then you better retire to your room, said the daughter-in-law pointing to room 10/8, and her son conducted Mrs. Malik to it, holding her hand. She was feeling terribly drowsy. देखिए बच्चों, then you better retire to your room, said the daughter-in-law pointing to room 10/8. तभी उसकी जो daughter-in-law है वो बोल पड़ी और उसने क्या कहा, then you better, तब अच्छा होगा, retire to your room, तुम अपने कमरे के अंदर चले जाओ। said the daughter-in-law, ये बात daughter-in-law ने कही, pointing to room 10/8. उसने उस कमरे की ओर इशारा करते हुए जो कि उस घर के अंदर बनाया हुआ था, और उस कमरे की साइज क्या थी, 10/8, वो जो कमरा 10/8 का बना हुआ था उसकी ओर है उसने इशारा किया। और डॉटर इन ला ने अपनी मदर इन ला को क्या कहा कि तब तो ठीक है, तुम अपने कमरे के अंदर चली जाओ। एंड हर सन कंडक्टेड मिसेज मलिक टू इट होल्डिंग हर हैंड, और उसके बेटे ने भी अपनी माँ का हाथ पकड़ करके उसने है वो उस कमरे की ओर है उसको ले गया। शी वाज फीलिंग टेरिबली ड्राउज, उसको है वो बहुत ज़्यादा है वो नींद आ रही थी। ड्राउज का वो स्लीपी होता है नींद आना, बहुत ज़्यादा उसको है वो नींद आ रही थी। मिसेज मलिक शुक हर हेड, बट व्हाट वाज रॉन्ग विथ इट, हर हस्बैंड हैड ऑलरेडी गॉन, शी वुड फॉलो हिम वन डे, शी मस्ट डू इट। देखिए अब मिसेस मलिक को बड़ा दुख हुआ और वो और भी ज़्यादा है वो ख्यालों के अंदर डूब गई, लेकिन अब करे तो करे ही क्या। उसने कमरा जो 10/8 का था अपनी खुद की सास के लिए बनाया, लेकिन ये मिल गया खुद को अपनी बहू के द्वारा। मिसेज मलिक सुखर हेड अगेन, मिसेज मलिक ने है वो अपने सिर को पुनः हिलाया, बट वॉट वॉज रॉन्ग विथ इट, लेकिन इसके साथ में गलत किया था। हर हस्बैंड हैड ऑलरेडी गॉन, उसका पति है वो पहले से ही गुजर चुका था। शी वुड फॉलो हिम, और अब उसको भी है अपने पति के पीछे पीछे है वो फॉलो करना है, अब उसको भी तो जाना ही था। वन डे शी मस्ट डू इट, और एक दिन उसे उसको भी जाना था। I thought it could be in my mother-in-law's room, and after her it might be converted into a store. These words re-echoed in Mrs. Malik's ears. लेकिन बच्चों, Mrs. Malik के कानों के अंदर वही शब्द गुंजायमान हो रहे हैं, पुनः वही शब्द है वो गूंज रहे हैं, उसको याद आ रहे हैं, उसके हृदय के अंदर गूंज रहे हैं, उसके कानों के अंदर गूंज रहे हैं, उसके दिलो दिमाग के अंदर वापस वही विचार आ रहे हैं। कौन से विचार? जो विचार आए थे कब, जब उसके घर का है वो प्लान तैयार हो रहा था, और उस घर के प्लान के अंदर उसने फिक्स किया था कि यहाँ एक रूम होना चाहिए जिसकी साइज 10/8 हो। देखिए बच्चों,
क्या ख्याल आ रहा है, कौन से वर्ड्स, कौन से शब्द हैं जो कि पुनः उसके कानों के अंदर है वो गुंजायमान हो रहे हैं। देखिए, आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉस, मिसेज मलिक जो है वो सोच रही हैं और ये विचार उसको आ रहे हैं कि मेरा ऐसा विचार था, इट कुड बी माई मदर इन लॉस होम, कि ये कमरा मेरी सास के लिए हो सकता था। एंड आफ्टर हर इट माइट बी कन्वर्टेड इन टू स्टोर, और उसके बाद इसको स्टोर के अंदर है वो कन्वर्ट किया जा सकता था। कन्वर्ट का मतलब होता है बदलना। ये विचार जो शुरुआत में आ रहे थे, अब ये विचार उसके वापस री इको हो रहे हैं, पुनः गुंजायमान हो रहे हैं, पुनः प्रतिध्वनित हो रहे हैं। एंड देन सी हर्ड हर डॉटर इन लॉ कमेंट, द हाउस इज अदरवाइज वेरी वेल प्लान, इट लैक्स ओनली स्टोर रूम, आई वुड लाइक टू हैव अ बिग एन अप स्टोर। एंड देन सी हर्ड हर डॉटर इन लॉ कमेंट, और तभी उसने है वो अपने डॉटर इन लॉ के कमेंट को सुना। कमेंट का मतलब टिप्पणी होता है। तभी वो मिसिस मलिक क्या सुनती हैं, अपने बहू ने जो कमेंट किया, जो बात कही, जो टिप्पणी कही, उसको उसने सुना। देखिए क्या टिप्पणी करती हैं उसके डॉटर इन लॉ, द हाउस इज अदरवाइज वेरी वेल प्लान, इट लैक्स ओनली स्टोर। दूसरे मामले में तो ये जो घर है वो एकदम वेल प्लान है, यानी अच्छी प्रकार से है वो नक्शे से बनाए हुआ है। इट लैक्स ओनली स्टोर, इसमें सिर्फ एक चीज़ की कमी है और वो है स्टोर। लैक का मतलब कमी होना होता है। ये कमेंट है जो कि मिसिज मलिक सुनती हैं। आई वुड लाइक टू हैव अ बिग एनअप स्टोर, और वो डॉटर इन लॉ आगे क्या कहती हैं, आई वुड लाइक टू हैव ए बिग एनअप स्टोर, मैं एक काफ़ी बड़ा जो स्टोर है उसको रखना लाइक करती हूँ, उसको रखना चाहती हूँ। इस प्रकार की बातों को वो मिसिज मलिक सुन रही। मिसिज मलिक हर्ड इट एंड सी फेल्ड एज इफ सी वॉज सिंकिंग डीप एंड डीप इन टू ए बॉटमलेस। अब ये जो कमेंट वो जो सुन रही हैं, ये कमेंट उसको इतने हैं वो हृदय के अंदर चुभते हुए महसूस हो रहे हैं कि वो उसको सह नहीं पा रही है। मिसिज मलिक हर्ड, मिसिज मलिक ने इस कमेंट को सुना, एंड सी फेल्ट, और उसने महसूस किया एज इफ सी वॉज सिंकिंग डीप एंड डीप इन टू ए बॉटमलेस वेल। क्या फील किया उसने, देखिए उसको ऐसा फील हुआ कि मानो वो एक ऐसे गहरे और अथा कुएं के अंदर उस डूब रही है, ऐसा उसको फील हुआ। बॉटमलेस, बॉटमलेस का मतलब होता है जिसका पैंदा ही नहीं हो, जिसका तला ही नहीं हो, एक बिना तले वाले, बिना पैंदे वाले एक कुएं के अंदर मानो वो डूबती जा रही हो, ऐसा उसने फील किया। इतना दुख है उसे हुआ। तो बच्चों, इसी के साथ हमारी इस क्लास को यही स्टॉप करते हैं, बाकी पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।